तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन अवर न्यू व्लॉग। तो अभी यार फिलहाल सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी यार हम लोगों को निकलना है यहाँ से वापस नरसिंहपुर के लिए। 5-10 मिनट में निकल जाएंगे। मैं तो नहा धोकर खा पी कर रेडी हो चुका हूँ। चलो अभी चलते हैं। सब लोग नीचे खा रहे हैं, तो जैसे ही सबका खाना हो जाएगा फिर चलते हैं। बस 5-10 मिनट और है। चलो नैतिक फिर मिलेंगे। अब नैतिक से वापस मिलेंगे 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, 15-20 दिनों के बाद जब छठ होगा ना, दिवाली के 3-4 दिन बाद बस मिल जाएंगे। लेकिन इस बार अब बिहार में मिलेंगे शायद। हाँ, बिहार में ही शायद मिलेंगे, या तो यहाँ पे भी मिल सकते हैं, बट 15-20 दिनों के बाद मिलेंगे। चलो बाय बाय टाटा। अभी ये एक बैग, बाकी 2-3 बैग तो चले गए, कार में रख कर आ गए। और ये मेरा दूसरा बैग जो मैंने यहाँ पीठ पे पहन रखा है। तो अभी चलो चलते हैं बैठने के लिए कार में इसको लेकर। अभी मैं इस ट्रॉली को चलवा चलवा कर नीचे तक ले आया हूँ, बाकी सब तो अभी ऊपर ही है। ये रही कार, बाकी सब सामान रखा गया, बस ये और एक मेरा बैग, दो चीज रखना बाकी है। चल ट्रॉली चल, खुद से ही चलता है ये। देखो यहाँ पे पीछे एक सीट खाली है, बीच में तो सब, आगे भी सब, यहाँ पे ये पीछे मैं बैठ जाऊंगा आराम से, बाकी सब तो पूरा भर गया। इससे भी ज्यादा सामान था जब घर से आ रहे थे। चलो पैक, ये पीछे मैं आराम से बैठ कर जाऊंगा। चलो आओ 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 जल्दी, खुश रहो। तो अभी यार फिलहाल दोपहर के 12 बज चुके हैं और अभी यहाँ पर हम जबलपुर आ चुके हैं। मैं पीछे अकेले बैठा हूँ, ये देखो इधर साइड सामानों के बीच में अकेले, और बीच में इधर ये दोनों, आगे गोलू। अभी फिलहाल फूफा भी यहाँ तक आए थे जबलपुर तक, उनको काम था ना यहीं पे, तो वो यहाँ तक आ गए थे। बाकी यहाँ से नरसिंहपुर हम लोग चले जाएंगे। अभी ये लोग सैंडविच लेकर आए हैं कुछ खाने के लिए। ये रहा आलू बड़ा भी है। चलो यही खाते हुए चलते हैं। वैसे वहाँ से खाकर निकले थे सुबह, पूरी भुंजिया ये सब खाकर निकले थे, लेकिन ये भी थोड़ा बहुत बीच में नाश्ता करते हुए चलते हैं। अभी यहाँ से 2 घंटा और लगेगा, लगभग 2 बजे तक पहुँच जाएंगे आई थिंक। तो चलो सही है, गर्मी काफी ज्यादा लग रही है। अभी यार फाइनली यहाँ पर हम लोग घर पे पहुँच चुके हैं, 2 बजे यहाँ पर फाइनली पहुँचे। ये सब कुछ बैग वैग लेकर आ गया, अभी और भी जितना भी सामान है गोलू लेकर आ रहा है। ये रही फिलहाल यहाँ पे कार पार्क हो गई। चलो क्या, चलो किट्टू। तो अभी यार फिलहाल शाम के 5:30 बज रहे हैं, देख सकते हो 5:35 हो चुके हैं। और आज एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ कि आज पूरे दिन घर में कुछ खाने को ही नहीं बना। मतलब सुबह वहां से चले थे खाकर, उसके बाद बीच रास्ते में खा लिए थे सैंडविच आलू बड़ा, फिर अभी शाम को मिक्सचर ये सब लोग खा लिए। अब डायरेक्ट रात को ही खाना बनेगा, पूरे दिन आए तो सब लोग ऐसे ही अपने अपने काम में बिजी हो गए, कुछ भी खाने को नहीं बना, तो डायरेक्ट रात को डिनर ही बनेगा। और ये मैं लेकर गया था लेकिन इसका कुछ यूज ही नहीं, मतलब जिस दिन लेकर गया उसी दिन बस कार में ही पड़ा रह गया उस दिन से, क्योंकि वहां पे काफी जगहों पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं था ना। जैसे ये हो गया, अब इसको लेकर इस तरीके से पकड़ के यहाँ पे फोन अटैच करके व्लॉग शूट करना पड़ता है। और ऐसे अगर मैं सिर्फ फोन हाथ में पकड़ू ना तो इसको मैं जेब में भी रख लेता था, तो इसलिए मैं ये लेकर ही नहीं गया कहीं भी। मंदिर में तो खासकर कई जगहों पे लिखा हुआ फोटो खींचना मना है, तो इसलिए वहां पे तो जब भी वहां पे बोल रहे थे कहीं पे भी मैं पढ़ ले रहा था कि फोटो खींचना मना है, मैं डायरेक्ट जेब में रख ले रहा था फोन, तो इसका कुछ यूज नहीं रहा। वैसे मैं ये लेकर घूमता हूँ कहीं पे, मतलब मंदिर छोड़कर बाकी और कहीं तो हर जगह पे अलाउ रहता है, बस मंदिर में नहीं रहता है, पता नहीं रहता है, पुरानी चीजें रहती है ना इसलिए कि कुछ रिवील ना हो जाए। और ये देखो ये 2 न्यू ट्रॉली जिसके साथ की चावल फ्री मिला है, इसके साथ चावल फ्री मिलता है, बहुत अजीब। मतलब वो क्या कहते हैं मॉल में ऑफर था ना, इसके साथ चावल फ्री, ये तो अलग से है। हाँ घी, चावल, शक्कर, इसके अंदर ही है शायद। हाँ हाँ, इन्हीं दोनों में से इसके अंदर होगा, ये ओपन है, ये तो ऐसे ही लेकर आ गए। बाकी यार अभी देखो आज साउंड नहीं आ रहा है, मतलब अभी पूरे दिन नवरात्रि था, जब से गांव से आए थे लगभग 10 दिन तक पूरा माता जी का था, तो उधर साइड वो बजता रहता था भजन, बाकी और भी जो भी सॉन्ग बजता था यहाँ तक डायरेक्ट साउंड आता था, क्योंकि यही टर्निंग पे ही था ना। बाकी अब नवरात्रि खत्म हो गया तो अब कुछ भी आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा शांत सा एरिया अब लग रहा है। हाँ शांत है, वो ये कार का वो बजा रहा है बार बार। जा रहा हूँ। बाकी यार मैं, मुझे अभी 2 दिन हुए कार चलाए हुए, एक मैं उस दिन वहाँ पे चलाया था जाकर चर्च ग्राउंड में, और दूसरा कल मैं चलाया था कटनी में रात को। तो अभी सिर्फ 2 दिन हुए, लगभग अगर मैं 10 दिन चला लिया ना तो मुझे लगता है मैं अच्छी तरीके से सीख जाऊंगा। अगर मैं 10 दिन नॉन स्टॉप चलाया, मतलब ऐसा नहीं कि 24 घंटे नॉन स्टॉप, एक एक दो दो घंटे भी मैं चला लिया तो सीख जाऊंगा। जब हम लोग यहाँ से गए थे माँ को ये टेंशन थी कि ये तुलसी जी सूख ना जाए, क्योंकि पानी डालने वाला कोई नहीं था ना, लेकिन फिर भी सूखा नहीं। ये देखो ये पहले वाले, जब गांव गए ना
30-40 दिनों के लिए, तब तो ये पूरा वो एक महीना हो गया था ना, ये एक महीना थोड़े ना। बारिश कहाँ हुई? नहीं नहीं, पानी उसमें गीला गीला अभी भी लग रहा है। ये देखो इसका मिट्टी ब्लैक है और इसका मिट्टी पूरा ये सूख चुका है, ब्राउन ब्राउन कलर का हो गया है। अभी फिलहाल हम लोग नीचे आए हुए हैं, किट्टू को पकड़ रखा है ये देखो चैन से, नहीं तो अगर इसको पकड़ो नहीं ना, ये तो इधर अगर छोड़ दिया ना गलती से भी, अबे मत खाइए सब, तब तो ये इतना पूरा भगाएगा, इन दोनों को 2-3 दिन भगा चुका है। नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, ले फाड़ दे, फाड़ दे पैंट, अब सच में ही फाड़ देगा। रुक 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 रुक, अरे रुक 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 रुक, हाँ बात अब जा, तू जहाँ जाना है चैन में बंधा ही रहेगा, लेकिन छोड़ूंगा तो नहीं मैं। देखो ये अभी बहुत ज्यादा कूद रहा है, तो मैं काम करता हूँ, इन दोनों को चैलेंज देता हूँ, इसको खोलता हूँ और जो इसको पकड़ लिया उसको मेरी तरफ से मैं सूप बनाकर पिलाऊंगा। अरे तो बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ना, चलो नहीं इसको मैं छोड़ रहा हूँ, चलो वो सरप्राइज रहेगा। हाँ चल ठीक है, हाँ 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 चल, मैं अभी छोड़ रहा हूँ इसको, ठीक जब बोलूंगा तब, अभी नहीं अभी नहीं, अबे भाग, भाग ही नहीं रहा है, अब क्या करे, भाग जा भाग जा भाग जा, हाँ बस जाओ पकड़ो, जाओ 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 पकड़ो पकड़ो पकड़ो, अब देखते हैं ये दोनों पकड़ पाते या फिर नहीं। कल वहाँ नैतिक को भी इसने बहुत भगा दिया था, लो कहाँ कहाँ तक घुस गए, रेत में हो, चलो पकड़ लिया फाइनली, यहाँ पर गोलू ने पकड़ लिया फाइनली, चलो ये पकड़ में तो आया, कल नैतिक को इतना भगा दिया था इसने। चलो मैंने कुछ नहीं बोला था, टाटा बाय बाय खत्म, मैंने बोला था सरप्राइज, सरप्राइज में मैंने कुछ इस तरीके का बोला था, सरप्राइज बोला था मैं। ओए 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 ओए, यहाँ पर मीशो से माँ और काजल ने कुछ ऑर्डर किया था, तो वही यहाँ पर पार्सल देने के लिए आए हुए हैं भैया, देखते हैं क्या ऑर्डर किया था। तो अभी फाइनली यहाँ पर रिसीव कर लिया है, ये रहा पार्सल, माँ ने सूट ऑर्डर किया है, ओपन करो जरा कैसा है, के साथ ये तो काफी सॉफ्ट लग रहा है, फुल डिजाइन डिजाइन ही डिजाइन है। 6 बजे ही यार इतना अंधेरा हो जाता है कि पूछो, मतलब अभी 6:03 हो रहे और अभी ऐसा लग रहा है जैसे रात होने को आ गया, 7:30 बज गया। वैसे ठंड का दिन है ना, नॉर्मली मई जून का जब टाइम रहता है ना, अप्रैल मई जून उस टाइम पे मतलब इतना 7:30 तक ऐसा टाइम होता है, मतलब ऐसा मौसम होता है, अंधेरा होता है। बाकी अभी इस टाइम पे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इसमें तो 6:05 भी रात हो जाता है कई जगहों पे। बाकी अभी देखो फिलहाल रात होने को आ गया, अभी मैं सोच रहा हूँ वापस से कार सीखने जाने को, अभी पापा मार्केट गए हैं कुछ सब्जी लाने के लिए, जैसे ही वो आएंगे फिर से मैं जाऊँगा चर्च ग्राउंड। मतलब एक बार अगर चलाने लग जाओ ना तो थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ यार सीख जाओ पूरी तरीके से, कोई भी काम को अगर करना स्टार्ट कर दो तो ऐसा लगता है आधे पे क्यों छोड़े। इसलिए अब मैं तो सोच रहा हूँ कि घर जाने में अभी 15 दिन बचे लगभग, दिवाली के अगले दिन निकलना है मैंने आपको बताया था, तो उसके लिए लगभग 15-16 दिन बचे, तो मैं सोच रहा हूँ कि डेली अगर मैं 1-1 घंटे या आधे आधे घंटे भी नकार तो मैं इजीली सीख जाऊंगा। माँ को यहाँ पे लगता है ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं आई, माँ बोल रही इसमें पता नहीं क्या क्या जोड़ने वोड़ने को, अलग से कपड़े जोड़ने को अच्छा, और 2-4 कपड़ा लगाकर उसको इतना मोटा कर देगी। तो अभी मैं जा रहा हूँ चर्च ग्राउंड, पापा आ चुके हैं तो कार चलाने के लिए जा रहा हूँ, और माँ का गेहूं भी लेकर जाना है पिसवाने के लिए, तो अभी गेहूं जाते हुए देकर आ जाएंगे, वहीं पे वो पिस देगा और उसके बाद आते हुए हम लोग लेकर आ जाएंगे, तब तक वहाँ पर 1.5 घंटे तक मैं कार चलाऊंगा। अभी चलो चलते हैं चर्च ग्राउंड, ये है माँ का गेहूं, माँ का स्पेशल गेहूं, चलो नहीं हाँ चलो लेकर चलते हैं इसको नीचे। चलो अभी गेहूं को फिलहाल पीछे रखते हैं, पीछे वाला दोनों सीट खड़ा कर दे, उठ जा, चलो ये तो उठ गया, तो रखते हैं पीछे 10.5 किलो। तो अभी यहाँ पर मैं घर आ गया फाइनली, अभी 8:00 7:45 हो चुका है। पहले तो मैं ग्राउंड में गया तो ग्राउंड बंद पड़ा था, फिर वहीं पे पास में एक रोड था तो वही रोड पे मैं थोड़ा बहुत चलाया, लेकर गया लेकर आया। रात के 9:30 बज चुके हैं और ये रहा डिनर, दाल चावल यहाँ पर और साथ में सलाद चटनी चोखा। तो चलो अभी फिलहाल तो खाना खाता हूँ, इसके बाद मैं जाऊँगा वीडियो बनाने के लिए। तो अभी यार रात के 11:30 बज चुके और अभी मुझे काफी तेज नींद आ रही, तो मैं तो अब जा रहा हूँ पीसी ऑफ करने, यहाँ पर देख सकते हो
इसी में ऑफ कर देता हूँ। अभी थोड़ा बहुत मेरा वीडियो बना है, बाकी जो भी बचे अब मैं सुबह उठकर बनाऊंगा, एडिट वेडिट करके अपलोड करूंगा। अभी अब मुझे काफी तेज नींद आ रही है तो मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, क्योंकि वहां पे 3-4 दिन से सबके साथ नैतिक नंदी सब लोग वहां पर मजाक मस्ती करते करते 12-1-2 बज जाते थे सोते सोते, तो आज यहाँ पे मस्त मजे से नींद कम्प्लीट करता हूँ। तो फिलहाल मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप आपको मजा आएगा, मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरीके के भी अमेजिंग व्लॉग्स देखने के लिए। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, मिलते हैं कल एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। नैतिक कटोरा कैच करने में लगा है किट्टू का, अरे 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 सच में भी कैच कर लिया।